हेलो भाई, सभी नए पेरेंट्स को नमस्कार। टीचर से मुलाकात हो गई सबकी, तो क्या कुछ निकला? घर में कितने घंटे पड़ता है? घर में दो घंटे पड़ते पाते रहते, घर में अपने काम भी करते हैं। अच्छा, ट्यूशन भी करवाते हैं? ट्यूशन लाइव नहीं है। ट्यूशन लाइव नहीं है मतलब? आइए आइए, आ जाओ बेटे, आइए। कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम टीचर से बात करते हैं, हमारा कुछ समय लेने चाहते हैं, वो मुझे बताते हैं टीचर क्या है बात, हमें मतलब आके टीचर से बात करते हैं। आपको मालूम पड़ता है काम मुसीबत है, काम मुसीबत नहीं है, कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चा ऐसे पढ़ नहीं रहा, वो बताते हैं कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो हम उसको फिर से पढ़ाते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि जब तक हम प्रैक में नहीं रखेंगे बच्चे को, और जब तक एक हर तीन महीने में, दो महीने में, एक महीने में टीचर से बातचीत करके ये ना पता करें कि भाई कहाँ पे कमजोर है मेरा बच्चा और कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट अच्छा आने के लिए जरूरी है कि हम मासिक तौर पे या दो महीने के तौर पे आकर के टीचर से बात कर जाए और पता कर जाए कि हमारा बच्चा कहाँ कमजोर है ना। तो जो कुछ भी आपको फीडबैक यहाँ से मिलता है, उस फीडबैक के अनुसार उस सब्जेक्ट पे और मेहनत करने की जरूरत होती है। सही बोल रहा मैं? नहीं जरूरी है ना, ये जरूरी है। और ये दिल्ली के इतिहास में क्या, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पेरेंट टीचर मीटिंग गवर्नमेंट स्कूल में हो। पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ अभी तक प्राइवेट स्कूल्स तक इस लिमिटेड थी, प्राइवेट स्कूल्स में थी कि बच्चों के टीचर्स के साथ आकर बातचीत कर सके। लेकिन ये सुविधा जो अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने दिया है, ये बेहतर भविष्य के लिए दिया है। हम कहते हैं कि शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक राष्ट्र नहीं बनता है कि नहीं। और बच्चों को पढ़े लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बातचीत टीचर्स के साथ, कहाँ मेरा बच्चा कमजोर है, किस सब्जेक्ट में और देने की ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। और क्यों बताएं इसके बारे में, कैसा लग रहा है आज? अच्छा, बोलना भी जरूरी है, बोलना सीखो है ना, अपने हक के लिए बोलना बहुत जरूरी है। ये नया जो नया गिफ्ट जो मिला केजरीवाल साहब की तरफ से दिल्ली को, कि हर चीज के लिए बोलो, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बोलिए। कैसे लगा? अच्छा है, पर वो सेवेंथ में क्लास में वो पढ़ने में कमजोर है सर, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता सबके, वो घर में भी बात करते सब बीत जाते हैं, पढ़ाई में तुमको ध्यान नहीं देते। यहाँ से मालूम पड़ा ना ये बात? हाँ ये बात। किस क्लास में है? सेवेंथ में। आज जाओगे घर वापस, जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया है उस पर और मेहनत करने की जरूरत है, बैठ के बातचीत करना पड़ेगा कि क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, ध्यान तुम्हारा कहाँ है, ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। बात यह है, खेल में ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो पता भी है, मैडम से मैडम से मिला दो, मैडम नहीं है यहाँ, वो ऐसा बोलता है। ताकि लगो ना? तो ये बहुत शुभ है, बहुत स्वस्थ परंपरा है, शुरुआत हुई है कि टीचर्स के साथ आकर के बच्चों की आप असेसमेंट कर पाए है ना। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार के दौरान जो बदलाव हुआ है उसका बदलाव रिजल्ट्स में दिखा है। तो पिछली बार बारहवीं क्लास का रिजल्ट आया तो प्राइवेट से 9% बेहतर रहा सरकारी स्कूल। तो बगैर पैसा खर्च किए, बगैर उस तरह का तामझाम के जिस तरह का प्राइवेट स्कूल में होता है,
हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के प्राइवेट से बेहतर रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, है कि नहीं? उसके जरूरी है पीटीएम। पीटीएम से आपका असेसमेंट बारी बारी से पता करना कि मेरा बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं और तो नहीं जा रहा। तो जब जब आप आए तो सबसे पहले यार पता करें कि भाई स्कूल तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। मालूपड़ा स्कूल के लिए चला और आया नहीं है, है ना? उसके बाद स्कूल में जब आता है तो क्लास के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह का उसका अटेंशन है, किस तरह का उसका बर्ताव है, किस तरह का उसका टीचर से लगाव है। जब तक टीचर से लगाव करके सब्जेक्ट से लगाव नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी, है कि नहीं? जरूरी है ना। तो सबको अच्छा लग रहा है ये पीटीएम? अच्छा लग रहा है ना? आगे ये चीज जो कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में उपलब्ध थी अब आपको उपलब्ध है, तो इसका भरपूर उपयोग उठाएं और अपनी सारी चिंताएं जितनी भी आपको लगती है बच्चे, बिकॉज देखो आपका भी एसेट, आपका भी खजाना बच्चा और मेरा भी खजाना आपका बच्चा है। आपका बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, जब वो बढ़ेगा, जब वो बड़ा बनेगा तो देश का भी नाम करेगा, हमारे भी नाम करेगा। समझ पा रहे ना? आपने उसको दुनिया में तो लेके आए हो लेकिन वो पूरे देश का भला करेगा। जब वो बड़ा बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो उस प्रकार पूरे देश का नाम रोशन करेगा, ठीक है ना? तो ये आपका आपके जरिए तो है लेकिन एसेट खजाना वो पूरे देश का। इसके लिए हम सबको मिलकर के अपने बच्चों के ऊपर खूब मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं बगैर शिक्षित के समर्थ राष्ट्र नहीं बनता। अगर देश का विकास करना है तो बच्चों के ऊपर खूब खर्च करना पड़ेगा। और ये इकलौती सरकार है पूरे पूरे इंडिया की, इसने कि अपने बजट का 1/4 हिस्सा 40,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ हम सिर्फ शिक्षा पे खर्च करते हैं। इकलौती सरकार है पूरे देश की, हमें पता है कि देश कहां से बनता है। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है। इस बात को मन में ठान के जाना कि आपकी सरकार खूब खर्च कर रही है शिक्षा पे, और उस खर्च का नतीजा दिख रहा है स्कूल में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ मुझे। पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो आपने स्कूल में बदलाव होते देखा है, ऐसा बदलाव कभी हुआ था? तो ये इस बात के लिए है कि आप और हम और शिक्षक इस पूरे व्यवस्था के तीन अंग हैं, पेरेंट्स, माता पिता, घर, सरकार, सरकार को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और शिक्षक। शिक्षक, पेरेंट्स और सरकार, ये तीनों मिलकर के एक बच्चे पे जो प्रयोग करती है वो प्रयोग का सफल तभी हो पाएगा जब बच्चा बड़ा होकर कुछ देश का नाम रोशन करेगा, ठीक है ना? तो ये तो महीने में आकर के आप मिल जाते हो, अगर बीच में भी कभी आपको लगे कि जाकर के सर से मिलना जरूरी है तो कभी भी आकर के सर से मिल सकते हो, ठीक है ना? कभी भी कोताही मत बरतना, रोज उससे पूछो क्या पढ़ के आया, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए अपने बच्चे में, थोड़ा इंटरेस्ट लो, रोज आधा घंटा बैठ जाओ उनके साथ में, बैठ बेटा आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, है ना? अगर पढ़े लिखे ना भी हो फिर भी थोड़ा उसे पूछो, बैठ उसे बैठा के पूछो, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा उसके ऊपर। अगर आप पढ़े लिखे ना भी हो तो कोई तो घर पढ़ा लिखा होगा, बड़ा कोई बच्चा होगा, उसके पिता होंगे, तो आप उस पर इंटरेस्ट लेकर के आधा घंटा एक घंटा रोज उसको पूछो कि भाई क्या पढ़ाया टीचर ने आज, आज कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, आज क्या अच्छा लगा। और जब कुछ आपको लगे थोड़ी शंका कि जी मामला गड़बड़ लग रहा है तो तुरंत टीचर के पास आए, करेंगे पक्का ना? करोगे तभी जाकर के वो साल के अंत में मुझे तंग नहीं करोगे कि जी 9th क्लास में फेल हो गया, है ना? 9th क्लास में फेल ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम हर क्लास में बैठ बैठ के उससे पूछे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, क्लास में क्या पढ़ाया गया, कहाँ पे आपको तकलीफ आ रही है, किस सब्जेक्ट में मुसीबत आ रही है, बहुत जरूरी है, करेंगे? यस सर। दूर से आवाज दो, यस सर। पीछे से आवाज नहीं आई, यस सर। ठीक है ना? सभी लोग हाथ खड़ा करके ऊपर बताओ, करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नमस्कार। अब आपको हमारे स्कूल के बारे में सारी चीजें पता है, आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे स्कूल में आते, और कई पेरेंट्स से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं पहली बार में उनसे मिल रहा हूँ, और बीच बीच में आप लोग आते रहिए, आपके जितने भी